आज हम वर्तमान में जीने की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले सांस लेने और छोड़ने के बीच में एक गैप होता है, सोने और जगने के बीच में एक गैप होता है, और विचारों के उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में एक गैप होता है। वो गैप विचार शून्य होता है, निर्विचार होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। तो वह अवस्था वर्तमान की अवस्था होती है, और वही अवस्था परमानंद की भी अवस्था होती है। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हम परमानंद में होते हैं, और हम परमानंद में नहीं हैं इसका मतलब है कि हम वर्तमान में जीना जानते ही नहीं हैं। हमारा मन या तो भूतकाल की किसी स्मृति में गोते लगाता रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। भूत भविष्य ये दोनों ही स्थितियां मन की रहती हैं, और वर्तमान में उसने ठहरना जाना नहीं, क्योंकि जो जन्मों जन्मों के संस्कार, जो आदतें बनी पड़ी हैं, वही चलता रहता है। एक रस्सी पर चलने वाला रस्सी पर जब चलता है तो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है, कभी इधर इधर उधर, और कितना उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है तब वो चल पाता है। ऐसे ही इस मन को यदि वर्तमान में लाना है तो उससे भी सजग होना पड़ेगा, एक रस्सी पर चलने वाले से भी सजग हमें रहना पड़ेगा, हमारी चेतना को रहना पड़ेगा, तब हम वर्तमान में चल पाएंगे। और जैसे ही वर्तमान में आने की हम कोशिश करते हैं तो वर्तमान में ही हमारी उपस्थिति है, हमारे निज स्वभाव की उपस्थिति है। तो सबसे पहले जैसे ही हम वर्तमान में आने की कोशिश करेंगे, बेचैनी, अशांति, ये सब हमें घेर लेती हैं, क्योंकि यही हमारी सतह पर हैं। भीतरी सतह के जाने की जो पहली सतह है भीतर उतरने की, उसमें मन की सतह पर कामनाएं, वासनाएं, अशांति, बेचैनियाँ, ये सब भरी पड़ी हैं, और तो हम तुरंत रिटर्न मारते हैं, तुरंत भागते हैं वहाँ से। और ये जितने साधन संसाधन बाहर हैं, सिनेमा, कोई सिनेमा देखने जाता है वर्तमान से बचने के लिए, कोई दारू पी रहा है वर्तमान से बचने के लिए, कोई संगीत सुन रहा है वर्तमान से बचने के लिए, कोई धंधा पानी कर रहा है वर्तमान से बचने के लिए, क्योंकि उसमें वो खोया रहता है, उसकी चेतना खोई रहती है, मन को भरमाया रहता है उसमें। तो हर आदमी को बेहोशी में जीने की आदत हो गई है, इसीलिए कि उसका सामना वर्तमान से ना हो। कोई पेपर पढ़ रहा है, अकेले बैठा है, पेपर पढ़ लिया फिर पेपर पढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो एकांत में अकेला बैठता है तो वर्तमान से सामना होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो वर्तमान से भागता है, भागने के लिए तमाम इंतजाम करता है, मोबाइल पर उंगली चलाता रहता है, कुछ देखना नहीं, कुछ पसंद नहीं, फिर भी देखे जा रहा है, क्योंकि वर्तमान से उसे डर लगता है। आदमी शादी कर लेता है क्योंकि अकेला रहेगा तो वर्तमान में स्थिति आने की उसके संभावना रहती है, खुद से सामना होने का संभावना रहता है, तो एक स्त्री ले आता है कि उसके दुख मिट जाएं, वो दुखों को भुला रहे। और इधर वो अपने दुखों को भूलने के लिए तुमसे शादी करती है, तुम अपने दुखों को भूलने के लिए उससे शादी करते हो, तो दोनों दुखी प्राणी मिलते हैं तो जीवन में डबल दुख, डबल धमाका होता है। और ऐसे ही सारी मानव समाज, सारा मानव जगत दुखों से बचने के लिए एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, और उनकी सारी दौड़ें, सारे किए हुए प्रयत्न सब निरंतर उन्हें और दुखी बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम वर्तमान से भागोगे
जैसे जैसे तुम खुद से भागोगे, अपने अपने भीतर के प्रेम आनंद मौन से भागोगे, वैसे ही तुम और दुखों से भरते चले जाओगे। तो हमें भगवान बुद्ध और महावीर, उन्होंने बस होश में जीना सिखाया। उन्होंने कहा होश में जियो, जो भी करो होश में करो, होश की साधना करो।